सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बार बार रिपीट करने का मौका मत दीजिए। जो आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी, किसे क्वेश्चन है? हाँ जी बोलिए। एन नाम से है वो। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, जॉब में अगर जॉब कौन करते हैं तो कौन है जो आज फर्स्ट टाइम मेरे पास आया? एन नाम से मैडम है। नीना मैम, आप कहाँ से हो? आपका हैंड रेज किया गया है। नीना मैम, मेरे को लगता है आप लोगों ने किसी को क्लास नहीं लगानी है, तो आप अपना समय खराब कर रहे हेलो हो। हाँ जी, सर, गोपाल गोपाल सर बोलिए। बोले थे कि अगर जॉब करते हैं तो किधर मुंह करके बैठना चाहिए, मतलब ऑफिस में अगर बैठते हैं क्या सर? जैसे जॉब करते हैं ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस में किधर मुंह करके बैठना चाहिए? अगर मूव करने की बात कर रहे हो तो ईस्ट या नॉर्थ हाँ में करो, पर आप किसी जोन में बैठे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप उसको काउंट करो ना सर। उसका क्या मतलब किसकी तरफ मूव करके बैठना है? ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी जोन में बैठे हो उसको काउंट करो। अब मेरे को पूछोगे सर हमें नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए? अरे भाई, क्यों नहीं सोना चाहिए आपको? ईस्ट में सर करके नहीं सोना चाहिए परमात्मा वहाँ पर? वेस्ट में सर करके नहीं सोना चाहिए? ईस्ट की तरफ टांगे जाती हैं? ये सब पोंगा पंडित ने आपको क्या क्या समझा दिया, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा बस। क्या किताबी ज्ञान से आप, क्या किताबी ज्ञान से सीखोगे आप सब? लाइफ में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है आपके। अच्छा, आप किस जोन में बैठते हो? हाँ सर, क्या बोले? आप किस जोन में बैठते हो? प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको रिगार्डिंग देखो। फेसिंग करनी है ईस्ट में कर लो, नॉर्थ में कर लो। क्यों भाई, ये तो सभी बता ही रहे हैं, नहीं सर, मेरे अभी बता ही रहे हैं, तो अच्छा मेरा तो मेरे सेशन में आने की क्या जरूरत थी? अभी जो लाभ बाकी लोग बता रहे हैं मैं भी बता रहा हूँ। ईस्ट में कर लो, नॉर्थ में कर लो। ठीक सभी है। सभी जोन पैसा देते हैं, सभी जोन कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है ना? प्लीज़ मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस ग्रुप में मत आए, अगर जिसका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को हैंड रेज करें, मैं पूछ लूँगा। हाँ जी, सरदार सर जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते हाँ, सर। मैं सुंदर बात कर रहा हूँ, पहले सर बेंगलोर से। बेंगलोर सर, अपना पहले फेस दिखाओ। जिनको मुंह सर दिखा सर अपना फेस दिखाइए, जिनको मुंह दिखाई नहीं देनी वो मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ बोलिए सर, सर, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है सर, हमारा घर है वो 40 साल का घर है, उसका जो है 30-40 है, बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड करके 30-50 कर चुका। अभी जो वो अभी एक्चुअल डायमेंशन से 31 फीट 10 इंचेस है विड्थ, लेंथ है अभी 50 फीट है। मीन्स कुछ लोग बोल रहे ये डायमेंशन ठीक नहीं, विड्थ तो ठीक है बट वो लेंथ आउट थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसा बोल रहे। आपका क्या उसका सजेशन है सर? इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मीन्स जो हम लोग जो अर्न करते हैं वो नहीं रुक सकते, मैं ज्यादा खर्चा हो रहा है घर पे। इसके जो वास्तु शास्त्र में कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, पैसे नहीं बच रहे, तो हाँ सर, पैसा नहीं बच रहा है। आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को देखोगे,
आपको पैसे क्यों नहीं बच रहे? हाँ हाँ देखो, हाँ ये दो डोर है, नॉर्थ साइड भी है, साउथ साइड भी है। सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आप मैप भेजो मैं देख लेता हूँ। अभी मैं बाहर है सर, थोड़ा सा फोटोज भेजने सर, कैसे है सर, फोटोज के दिखाने सर कैसे? मैप भेजो, जो मर्जी भेजो, जब हाँ, जब भाई ने बोल दिया फ्री बताना है तो फिर बताना ही है, कुछ भी हो जाए। अच्छा सर, ठीक है मेरे को डायमेंशंस का वो चीज वो क्लैरिफाई करना चाहिए सर पहले। अभी करिए 31 फीट 10 इंचेस विड्थ है, लेंथ है, और कितना बढ़ा सकते हैं? अभी 50 फीट है लेंथ, तो थर्टी वन बढ़िया है पॉइंट सर। सर हाँ सर 30 30.50 बढ़िया है। लेंथ सर, लेंथ 50 फीट है वो, और बढ़ाने के लिए सोच रहे सर वो सिक्सटी बढ़ाओ थ्री सिक्सटी फाइव सर, करने के वहाँ लिए पर बना कितना क्या है? करने आप? सर वहाँ पर बना क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मेरे को सेंड करो, ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी सिक्योर सर जी आपका। सर, हाँ जी सर बोलिए। बोलिए सर बोलिए। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे आपने मोबाइल रेमेडीज जो बताई थी नाम के अक्षर वाली, तो सर हमें मनोज नाम के व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा सर नाम के आगे? और मनोज नाम की राशि कौन सी है? सिंह। अच्छा सिंह राशि का मालिक मैंने सूर्य लिखाया, जी सूर्य लिखा है। उसके आगे सूर्य का राशि डाल दो, बात खत्म। आपकी राशि कौन सी है? अच्छा जी, मेरी राशि मिथुन। तो फिर सर वही बात आ गया ना, तो फिर आपने उस दिन की क्लास में सीखा क्या? सर थोड़ी सी मेरा उस दिन बैटरी वीक हो गई थी सर, अच्छा आपकी तो बैटरी, थोड़ी सी अच्छा मिस। आपकी बैटरी वीक हो गई थी, मैंने वीडियो अपलोड की है तो आपने उसको नहीं देखा? हाँ सर कुछ समझ में थोड़ा सा कम आया था इसीलिए आपसे पूछ लिया सर। अभी आपको बता रहा हूँ, आपका मिथुन लग्न है, कुछ भी है, जी आपका नाम जी मिथुन राशि पर है। अगर जी आपको कौन सी राशि से पैसे लेने थे? जी सिंह राशि वाले से। सिंह राशि वाले से पैसे लेने थे। आप अपने जी नाम पर बुध की राशि लगाओगे तब तो सिंह नाम वाले को उसका नाम लिखोगे। अच्छा अभी समझ आ गया? जी। और कुछ के डाउट क्लियर करना है तो बोलिए। नहीं सर मोबाइल में तो हमारा नाम है ही पहले से। सर क्या बात कर रहे हो, उसका नाम बुध के आगे कुछ भी लगा लो, उसका नाम फीड कर दो, वो आपको पैसे दे देगा। अच्छा, समझ रहे हो ना? आपका उस जी, के लगा के मनोज लगा दें सर हैं। जो भी है, जी ओके। और किसी का ठीक है। क्वेश्चन है तो कैलाश सर जी, कैलाश जी, सर कैलाश जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए सर। हाँ जी बोलिए। जी सर मेरा मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, डाउट अभी क्या यही वाला मोबाइल रेमेडीज वाला अभी डाउट क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। चलो सर, सर मेरी कोशिश रहती है, तभी तो आप, मैं नहीं समझा पाता हूँ ना, अब मेरे पास समय भी उतना ही होता है, मेरे पास बैचेस रोज के डेली के 15 15 15 से 30 30 से बैचेस होते हैं ना, तो मेरी कोशिश है सबको सिखाऊं, पर आप पंडित सो ज्योति से लूटे मत जाओ, यही मेरी कोशिश है। अगर आपको कोई लूटने का काम करे तो मेरे से एक बार कॉल करना। सर जरूर हाँ जरूर तो सर। सर कोशिश मेरी है, फिर भी आप मेरे को मैसेज करते हो, मैं जवाब कई बार दे पाता हूँ कई बार नहीं दे पाता, पर मेरी नहीं सर तभी मेरा तक जब तभी मेरी कोशिश है। जी ट्यूसडे नाइट को और थर्सडे को मैंने रखा है फ्री सेशन, तो जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका सेवक। आप लोगों ने तो मुझे चढ़ाया है, आप लोगों ने तो इतना प्यार दिया है, जितना मैं छोटा सा कारवा ऊपर लेके जा रहा हूँ आपकी मदद से।
जी सर, मेरा जवाब आया है सर। मैंने पूछा था आपको व्हाट्सएप पे, तुरंत जवाब आया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, और किसी का भी क्वेश्चन हो ज्योतिष और वास्तु संबंधित, गुरुजी सर आप कुछ पूछना चाहते हो? बोलिए बोलिए, आप कहाँ से हो सर? सर आप अपने आप को अनम्यूट करो। सर आप अपने आप को अनम्यूट करो। गुरुजी सर म्यूट अनम्यूट करो। नहीं आ रहा इनको, नहीं अनम्यूट करना आ रहा। कोई बात नहीं, और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं तरन तारण पंजाब से। तरन तारण पंजाब से, क्या बात है सर, हुक्म करिए सर। सर मेरे क्लाइंट थे रैया में, ब्यास के पास, ओके तो उनका काम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो अपना घर है वो रेनोवेट किया था, बढ़िया बात है। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो जब से उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो अपना पुराना घर तोड़ना शुरू किया, तो उनके फादर साहब जो है वो बीमार पड़ गए। ओके, इन्होंने ईस्ट से तोड़ना स्टार्ट किया था। हाँ जी, ईस्ट वाली साइड से तोड़ना स्टार्ट किया था, ओके, और वहां पे और नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था। तो बढ़िया बात है जो तोड़ दिया अभी तो इनका। जब तक कंस्ट्रक्शन चली तो तब तक वो उनके फादर साहब बीमार ही रहे। अब तो अब ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। ओके, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ बताइए। तो उन्होंने किसी ज्योतिषी को बुलाया था, तो उसने बोला था कि जिसके नाम पे ये घर बन रहा है, अच्छा उनके 5 नंबर खाना में शनिदेव बैठे, और 48 ईयर की उम्र से पहले जब ये रेनोवेट करेंगे या कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह की करेंगे तो फादर साहब की सेहत को दिक्कत आ सकती है। बस, जी आपके पास कॉपी पेन है, हाँ जी है। लिखो फिर। मैं आपके से आपकी उम्र से छोटा हूँ, आपका छोटा बच्चा हूँ। लिखिए, आप सभी लोग लिख लो। कुछ नहीं खाना नंबर 5 में, कुछ नहीं 6 में, कुछ नहीं ये करेगा। जी केतन सर म्यूट कर लो, केतन सर म्यूट कर लो। आप सभी को आज एक ऐसी रेमेडी देने जा रहा हूं ना, कुछ भी करो, टॉयलेट तोड़ो, किसी का सर फोड़ो, नया घर बनाओ, किसी को मजदूर को चोट ना लगे, सभी को रेमेडीज बताने वाला हूं। ये आप सभी के लिए है। जब भी आप अपना घर में कुछ भी रेनोवेशन करो, किसी मजदूर को चोट भी ना लगे। कौन है जो आप में कोई आदमी बैठा हो, अगर उसने नया घर बनाना स्टार्ट किया हो, किसी मजदूर को चोट लगी हो, किसी को इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया हो, किसी को है, कोई आप में से कोई है? हाँ जी है, एक हाँ जी। मेरे ही क्लाइंट का था। तो मेरे गांव में वो बन रहा था मकान, तो वो जो मेन कॉन्ट्रेक्टर था उसके पाँव पाँव कट गया था उसका कटर से। अभी इसका इसको आप आपको आप आपको ज्योतिष का आता होगा सर, वास्तु हाँ आता जी, है ना। चलो आप नहीं मेरे से वास्तु नहीं, मेरे को वास्तु नहीं आता, ज्योतिष मैं करता हूँ। ज्योतिष करते हो, चलो आप मेरे से कॉल करना एक बार सुबह, फिर भी आपको सभी को बताने लगा हूँ, जी लिख लो, क्योंकि ये भी सभी मेरे भाई हैं। मेरा हक बनता है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है? मुझे नहीं पता आपका नंबर आपको मेरे से कहाँ मिला, मेरे को नंबर आपका कहाँ से मिला। तो बात ऐसा है, आपने 400 ग्राम जौ लेने हैं, जौ। जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, आपको
किसी की टॉयलेट रिमूव करनी है, चाहे वो कोई भी दिशा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, वगैरह कोई भी हो। तरन तारण में सर बहुत आता रहता हूँ, अमृतसर में जाता रहता हूँ 200 बार। मोगे से ना आपसे? हाँ हाँ, मोगा से सर, क्या बात, 50-60 किलोमीटर है। हाँ जी हाँ जी, तरन तारण में काफ़ी एक नंबर आया, हरी के तो काफ़ी आता हूँ, आपको भी पता हरी के लोग क्या करने आते। हाँ जी हाँ जी। चलो तो 400 ग्राम जो लेने हैं जौ, क्योंकि ये सारा प्रभाव राहु का है। हाँ जी। कोई दिन नहीं देखना, कोई वार नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना, जब मर्जी कंस्ट्रक्ट करो। 400 ग्राम जौ लेने हैं, उसको लाल कपड़े में बांध लेना है और गौमूत्र में उसको डुबो लेना है, जो जो बांधे हैं ना उसको गौमूत्र से भिगो लेना है। भिगोने के बाद एक प्लेट लेनी है, स्टील की ले लो चाहे प्लास्टिक की ले लो, कोई आपको लगे, राहु का जोन कौन सा है, साउथ वेस्ट जोन है ना, ये तो आप कंसिडर करते हो ना जी। वहां पर उस जोन में जाकर उसको गौमूत्र से भिगोना है और वहां पर रख देना है, और ऊपर से 3 से 4 ईंटें उसके ऊपर रख देनी है। पहले प्लेट लो, उसके ऊपर वो गौमूत्र से भिगोया हुआ रख दो और ऊपर से 3 से 4 ईंटें रख दो। किसी भी तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप उसे वहीं पर पड़ा रहने लो। कोई मजदूर को चोट नहीं लगेगी, कोई आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी, कोई कुछ भी नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक दूसरा केस भी इसी तरह का था, वो जो खुद मालिक था घर का, उसकी उंगली कट गई थी सर पिछले हफ्ते खेमगर में। सर वही बात है ना, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है। अगर जब भी आप किसी के रेवेन्यूएशन कराओ, नहीं अगर पहले तो बात है कि सांप का मुंह देखो कहां पर है, उसको देखो जी, वो खुदाई का है वो कहां पर देखो, उसके बाद देखो, और उसके बाद इस चीज को आप रखो, तो आपको मतलब ही नहीं कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूँ, फिर भी आती है तो मैं पैसे लेने वाला पंडित नहीं हूँ, बताऊँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। इतना बड़ा जो ग्रुप बना रहा हूँ, अकेला नहीं चला सकता, आप लोगों की मदद चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, और किसी का ज्योतिष और वास्तु क्या सर, कौन जगह रखना है सर, साउथ वेस्ट में? हाँ जी, साउथ वेस्ट में। किसी भी तरह की अगर आपको घर में टॉयलेट भी चेंज करनी है, रेवेन्यूएशन भी करानी है, तब भी करो। कोई आदमी मर जाता है, वैसे मर जाता है बिल्डिंग में, कोई करंट से मर जाता है, उसका कारण राहु ही है। यहाँ पर ये चीज़ कर दो, जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले राहु को शांत करो, फिर काम कर लो। क्लियर है? अभी आपका किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर वैसे तो आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा, मन खुश हो गया। आज बहुत से 10 साल बाद पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी आज नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन और था सर। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट समय दीजिए। हाँ जी कैलाश सर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, एक ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है सर। बोलिए जी सर। जैसे किसी भाव का कारक देव जो होते हैं, उसको खुश करना चाहिए या उस भाव में जो उस भाव के स्वामी है उसको खुश करना चाहिए? जैसे पहला भाव है लग्न भाव, लग्न भाव में लग्न भाव के कारक को खुश करें या लग्न भाव में कर्क राशि है उसके स्वामी को खुश करें? आप
आपका कहना मतलब कि लगन में लगन कौन सा है? कर्क लगन। ओके ओके, अगर वो बैठा कहाँ पर? डी वन कुंडली में जी। कर्क लगन अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठा है जी। जी अच्छा, खुश किसको करना है आपको? आपको क्या लगता है सर? वही मैं आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे कारक सर सूर्य कारक है प्रथम भाव का, तभी तो आप सभी पीछे। आपने सीखा है सारा कुछ? जी नहीं। केपी एस्ट्रोलॉजी आती है आपको? जी नहीं सर, केपी नहीं आती है सर। यही तो बात है ना जी, यही तो बात है जो मैं समझाना चाहता हूँ जी। आप उसका नक्षत्र लॉर्ड को सेट करो, वो क्या चाहता है। ग्रह कोई भी अगर वो बैठ गया तो बैठ गया, उसको आप हिला नहीं सकते। हिलाओगे कब? अगर वास्तु के हिसाब से, ठीक है जी। अभी मान के चलो वास्तु के हिसाब से घर में कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको आप कैसे हिलाओगे अपने बॉडी पार्ट के ऊपर? बस फर्स्ट हाउस किस चीज का है? हेड का। सेकंड हाउस किस चीज का है ये बताओगे आप? जी धन का। तो सेकंड हाउस में क्या करना है आपने बताइए जी, बताइए जी सर। आपका आपका चार नंबर लगन आ गया है ना, जो उसकी बात कर रहे हो जी। अब गिफ्ट सेकंड हाउस में क्या है? सूर्य की राशि आ गई। सेकंड में सर सूर्य की राशि आ गई जी। सूर्य की राशि। सूर्य कहाँ पर बैठा है जी? सूर्य बैठा है जी उसमें पंचम भाव में। आपके घर का ईस्ट खुला हुआ है जी सर? ईस्ट खुला हुआ नहीं है सर। हाँ, रोशनी आ रही है? नहीं आ रही ना। हाँ रोशनी, कुछ दक्षिण का भाग है सर और कुछ पूर्व का भाग है। नो, ईस्ट खुला है? नहीं खुला ना जी। ईस्ट नहीं खुला ना आपका? जी जी नहीं, ईस्ट नहीं खुला है, लेकिन उसका कुछ भाग दरवाजे में आता है, मुख्य दरवाजे में। अभी बात सुनो, अपने हेड को पार्ट एक्टिव करना हो तो कैसे करोगे आप? सर इसकी नहीं मालूम है। सूर्य का कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर है सूर्य का जी। ऑरेंज। घर में आपको कोई आपको खोलने नहीं दे रहा सूर्य, ये तो समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको पैसा आना चाहिए है ना, पैसा सेकंड हाउस देगा ना, इस बात को तो मानते हो गुरुजी सर? जी सर। अभी 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 बात मेरी जान से सुनो, आप कहाँ से थे कला सर? जी सर आगरा के पास ही हूँ। आगरा के पास, चलो चलो। फर्स्ट हाउस का है अपना माथा, लेडीज बिंदी क्यों लगाती है? अपना फर्स्ट हाउस एक्टिव करने के लिए। अच्छा ठीक है। अगर सेकंड हाउस कौन सा हुआ? गार्डन। अच्छा अच्छा, यही हुआ जी सर। अभी सेकंड हाउस को कैसे एक्टिव करोगे जी? सूर्य है सर, उसमें सूर्य की राशि है। सूर्य कौन से भाव में बैठा है? फिफ्थ हाउस। सूर्य पंचम जी। जी फिफ्थ हाउस। मेरे को पैसे चाहिए, मैंने सेकंड हाउस में चंद्रमा बना लिया, ये दिखाई दे रहा है आपको? टैटू बनवा लिया, फुल मून का मैंने टैटू बनवा लिया। अच्छा सर, गर्दन पे। हाँ, सेकंड हाउस एक्टिव कर लिया जी। जी जी, गुरुजी से चंद्रमा बनवा। गुरुजी से समझ रहे हो ना? तो फिफ्थ हाउस को हम कैसे एक्टिव करेंगे इनका? घर में फादर बोल, चलो अभी तो ये आप खुद कर सकते हैं फादर है ना, ओ मेरी तो दीवार तोड़वा देगा, मैं नहीं खोलूंगा। इसको फिफ्थ हाउस एक्टिव करना है पैसों के रिगार्डिंग, तो अपने पेट में ये सूर्य का निशान बनाएंगे तब इनको पैसा आएगा। क्लियर है सभी को? चाहिए क्या? पैसा चाहिए ना जी। जी जी, समझ आया गुरुजी सर मैंने क्या कैलकुलेशन की थी? हाँ जी हाँ जी। लेकिन सर
सूर्य तो फिफ्थ हाउस में है और सेकंड हाउस को एक्टिव करना है हमें सर। वही तो बोला ना, वही तो समझाया। बॉडी पे है वो फिफ्थ है, दूसरे भाव का चंद्रमा पैसा देता है। अच्छा तो आपको दूसरे भाव का चंद्रमा पैसा दे रहा है ना, मेरे को आपका सुख सेकंड हाउस में बना हुआ है ना, शायद आपका सूर्य है ना वहां पर, वहां पर राशि सूर्य के। हाँ सूर्य की राशि है सेकंड हाउस, तो सूर्य को आप फिफ्थ हाउस में एक्टिव कर लो ना अपने जन्म से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सूर्य का निशान बनाओ अपने पेट के ऊपर, सन का निशान बना लो ओपन बनाकर, ऑरेंज कलर पेन से बना लो ऐसे 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 कर, तो आपका वो एक्टिव हो गया, आपको पैसे आना स्टार्ट हो गया पेट से। अब जी सर ये सिंपल लॉजिक चीजें हैं जो पंडितों ने नग डाले, बच्चा ये हो जाएगा, घोर पाप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए जी सर। सर ये रोज बनाना है फिर सूर्य का निशान परमानेंट, जब तक आपको लगता है कि पैसे आ रहे हैं ओके है रफली बनाओ, नहीं आ रहा है तो फिर परमानेंट बना लो। मैंने परमानेंट बना लिया, पैसा आ रहा है। गुरजीत सर जी मेरे को 10 लाख दे रहे हैं, कलाश सर जी 5 लाख दे रहे हैं, सब दे रहे हैं मेरे को। गर्ग सर ने दे दिया मेरे को 2-3 लाख। चलो आगे, और अरविंद सर जी आपका क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज। मेरी कोशिश है कि मैं बार बार किसी को मत बोलूं, जिसको मेरे सेशन से कुछ नहीं जाना वो जा सकता है। एक सर क्वेश्चन था, पहले इनको भगा लें हम, हमारे पास खुला समय है, जब तुम जागो तभी सवेरा। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मैं आपको सभी को निकाल रहा हूँ, तो मैं सेशन को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अरविंद जी, अभिषेक जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। नहीं है। गोपाल जी आप देख रहे हो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास समय नहीं होता, पर इनको फ्री में सेशन दे रहा हूँ, इनको ये भी नहीं पता। हाँ जी अभिषेक जी बोलिए। सर मेरा एक दिक्कत है। सर आप सर अपना फेस दिखाइए, आप कहाँ से हो? सर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मैं कैमरा बंद कर रखा है। बोलिए। मैं कैमरा, एक मिनट सर, एक मिनट टाइम देंगे मुझे? 10 मिनट लिए। हाँ जी नीना मैम आपका कोई क्वेश्चन है? नीना मैम बोलिए। लिए तो अभी तक दिया नहीं है, 10 साल हो गए, केस भी किया लेकिन कुछ अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है वो। अभी आप रेंट के घर में हो? मैं नाला सोपा रहा मुंबई। नहीं आप अभी रेंट के घर में हो? नहीं नहीं अपना खुद का घर है। बिल्डर का नाम क्या है? क्या बोल रहे सर? सीमा मैम म्यूट कर लो, कोशिश है कि हाँ। आप ग्रुप से मत निकलो। सीमा मैम मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ जी बिल्डर का नाम क्या है? नीना मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। नीना मैम बोलिए। राजेश खंडेलवाल सर। आप फर्स्ट टाइम जुड़े मेरे चैनल के साथ? या सर। कोई नहीं, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। नॉर्थ okay. वास्तु की नॉलेज है आपको? नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, जीरो कुछ भी नहीं। आप मेरे को मैसेज करना, मैं सुबह आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके सर चलेगा, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभिषेक सर बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि मेरा बिजनेस में, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ठीक है, तो सडनली मेरा कुछ मनी ब्लॉक हो गया है, कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में कुछ मनी ब्लॉक हो गया है और तकरीबन 1-1.5 साल से ब्लॉक होके पड़ा है। मतलब अभी सॉल्यूशन हो जा रहा है फिर भी अटक जा रहा है, सॉल्यूशन होते होते अटक जा रहा है, मतलब बहुत परेशानी है उसके वजह से। क्या बिक नहीं रहा आपका, क्या है कि पेमेंट ब्लॉक हो गई?
सॉरी सर, पेमेंट्स ब्लॉक्स हो गए आपके? यस यस यस। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से? कौन से कंट्री से? वेस्ट बंगाल से, इंडिया से। शहर कौन सा है? मालदा से। मालदा, ओके। आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या है अभी? नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में मेरा एक मेरा सीरी नॉर्थ वेस्ट में है, उसके नीचे सीरी के नीचे अंडरग्राउंड सीरी घर का लैडर। ओके, द स्टेयर्स सीरी। तो बढ़िया है। और फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मतलब पूरे मेरा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पूरा ही मेरा है, मतलब मिला जुला के रहते हैं, पर मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। ओके, साउथ ईस्ट में क्या है अभी आपके? नॉर्थ ईस्ट में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ, उसको सेटअप करो फिर। सर थोड़ा सा मैंने लोकल एक पंडित जी है उसने सजेशन दिए थे, तो फिर मेरे उसमें वो तांबे का वायर से स्ट्रिपिंग किया था। प्लॉट का साइज क्या है? वीर मैं आप समझ रहे हो, इनको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? इनको बाहर चढ़ के रिकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ जी सर, जिन्होंने सीखा है उन्होंने ऐसे सीखा हुआ है। हाँ जी सर। तो सर आपके प्लॉट का साइज क्या है? प्लॉट का साइज यही सोच लीजिए कोई 1500 स्क्वायर फीट। कितने बाई कितने का? 40 बाई या 30 बाई कितने का? 20 बाई 36 है? 30 बाई 50। 30 बाई 50। सर ये 1500 स्क्वायर फुट बन गया, आपने बोला 500। नहीं नहीं नहीं, मैं 1500 स्क्वायर फीट बोला। ओके ओके। अभी आपको वहां पर येलो टेप लगानी चाहिए थी, तब जाकर आपको सेटअप होना था। आपको जो आपको सर वो हां टॉयलेट में बात टॉयलेट में हां वो आपको गलत करवा कर गया है। अच्छा। हां वो जो आपको करवा कर गया है ना, वो गलत करवा कर गया है। सभी लोग बेसिक सीख लेते हैं, एडवांस कोई भी नहीं सीखता, ठीक है ना? अभी आप उसी टेप को ब्लू के साथ करो, सॉरी येलो के साथ करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। येलो स्ट्रिप लगा देना है चारों तरफ। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं है और कोई सजेशन? नहीं है, आप अपनी दशा देखो, महादेश दशा देखो, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखो, उसको सेटअप करो, बस तभी सही हो जाएगा। सर सर किसी ने मुझे बताया कि मेरा अभी राहु का महादशा चल रहा है, फिर क्या एंडिंग में है वो? फिर क्या वो फिर क्या वो सर सभी मतलब सर सभी दिशाएं पैसा देती हैं, सभी ग्रह पैसा देता है, आपको लेने वाला आना चाहिए। सर कुछ सजेशन दे दीजिए। क्या दीजिए? कुछ सजेशन दे दीजिए सर। सर कुंडली भेजो, देख कर सुबह बात करेंगे, ठीक है सर? ओके ओके। अभी और किसी सर ने भी आपको बोला है कि येलो टेपिंग कर लो। सर मेरा okay. एक क्वेश्चन आपसे, पहले तो अपना फेस दिखाइए, आपके फेस दिखाइए, आप कहाँ से हो? मैं मोगा से हूँ सर। हाँ मोगा से हो? हाँ जी। क्या बात है, कहाँ पर मैम, बोलिए। सर जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब में हमें मतलब काफी सालों से हम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मोगा में तो जब मर्जी आ जाओ मैडम। मैम मोगा में हो तो जब मर्जी आ जाओ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है? फिर तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, जब मैंने बोल ही दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर जब मर्जी आइए मेरे पास। किस दिन? जब मर्जी आइए, जब मर्जी आओ, मोगा में हो जब मर्जी आओ। मैम
मैम सर मोगा से ही है। हाँ हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मोगा वालों को बोलिए, मैंने यही तो बोला मोगा वाले जब मर्जी आओ जी मेरे पास ऑफिस में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी अभी प्रॉब्लम क्या है आप बताओ, सलूशन है तो बता देता हूँ, नहीं है तो फिर क्या बात है। सर बस यही है कि मतलब कि जॉब में रिकॉग्निशन लेने के लिए क्या करना चाहिए, कि वो मतलब जो आपका काम है वो हाई अथॉरिटीज को दिखता नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। अभी साउथ में क्या है? साउथ में किचन। आप तीखा खाना पसंद करते हो, मिर्ची तेज पसंद करते हो? हाँ जी। आप मिर्ची तेज पसंद करते हो खाने में? हाँ जी, स्पाइसी खाने खाती हूँ। अभी आप अपने घर का चार्ट भेजो। हाँ जी। ठीक है ना, तो अभी देख लेते हैं। ठीक है। नहीं तो मैंने मोगा वासियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है थर्सडे को, जब मर्जी आओ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वास्तु और ज्योतिष फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ। आप कहाँ पर रहते हो मोगा में? कोई टाइम लिमिट तो नहीं है थर्सडे को? 9 बजे से लेकर 6 बजे और रात को 10 बजे थोड़ी ना आओगे वहाँ? नहीं वो तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि इवनिंग का क्या टाइम है, क्योंकि जॉब में होते हैं तो 9 बजे में नहीं आते। 9 बजे से लेकर 6 बजे। ओके सर। ओके, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोगा वासियों के लिए तो मैंने स्पेशल लिख कर रखा हुआ ऑफिस में, थर्सडे को 9 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्री आइए, चाहे कुंडली हो चाहे ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो। ओके सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए सर। मेरा नाम रामदयाल है और मेरा कोई भी काम है 2 से 3 साल चलता है, मुझे दोबारा से काम शुरू करना पड़ता है। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। ऐसा क्यों, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? अभी तो मैं फिलहाल खाली हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मेरे टीवी का काम था, टीवी कूलर वाशिंग मशीन। ओके, अभी कुंडली भेजोगे तो फिर देख लेंगे। ठीक है, कुंडली भेजो, देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे भेज दूं क्या सर? हाँ हाँ भेजिए भेजिए, कोई बात नहीं सर। ऐसी कौन सी है? आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ मैं फर्स्ट टाइम। मैं पैसा नहीं लूँगा, भेजिए, टेंशन ना लीजिए। हाँ जी गुरजी सर बोलिए। सर मेरा जो घर का प्लॉट है वो 40x20 है, साउथ फेसिंग का। 40 फ्रंट है कि 20 लंबाई है? हाँ जी नहीं, 40 फ्रंट है। तो 20 लंबाई में कैसे घर बन जाएगा वो सर? मतलब कि जगह है 20x40 की बोलेंगे, लेकिन जो हमारा रोड लगता है वो 40x60 की लगता है। लेंथ कितनी है? 20 है। विड्थ कितनी है? 20 40 लेंथ 20 है, विड्थ 40 है। हाँ जी दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो 40 फीट वाली साइड है ना, वहां से एंट्री देके फिर आगे कार पार्किंग, फिर लेफ्ट से दूसरी साइड को एंट्री की। सर मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, 40 आपकी विड्थ है जी, फ्रंट 40 है, विड्थ 40 है ना, लेंथ 20 है। ठीक है, फेसिंग कौन सी है? नॉर्थ की है? नहीं सर, किसकी फेसिंग? घर की फेसिंग। साउथ की है? मेन गेट की फेसिंग सर, साउथ की बोल रहा हूँ। ओके, साउथ से थोड़ा सा वेस्ट की और है, प्रॉपर साउथ नहीं है। ओके सर, साउथ कहाँ रह गया? सर मेरी बात सुनो, साउथ कहाँ रह गया, वेस्ट कहाँ पर? साउथ सर बिल्कुल कॉर्नर पे आता है, अगर हम डायगोनली खींचे ना। ओके, अभी अभी आपके पास बना हुआ है तो व्हाट्सएप करो। प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वही कैश फ्लो का
कमाई बहुत है, उड़ते बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर से और पैरालाइज का अटैक हुआ। मेरे दो सज्जन है वहां, आपके घर में पैरालाइज का अटैक हुआ किसी को? जी बिल्कुल, मेरी मदर को हुआ था। अब ये कैसे पता लगा? ये सर वैसे तो पैरालिसिस अटैक को तकरीबन 10 साल हो गए, तब हुआ था। मैं तो आपके घर गया नहीं। जी यही चीज हम सिखाते हैं, यही चीज। ठीक है, चलो। मेरा क्वेश्चन मेन था कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हैं, मेरे दो सज्जन है वास्तुशास्त्री है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। एक ने मेरे को बताया कि अपनी साउथ वेस्ट को बारी करो और ऊंचा करो। अच्छा, क्या हो जाएगा? तो वो आपका बोले नॉर्थ ईस्ट आपका बैलेंस हो जाएगा। और दूसरे ने बोला कि साउथ वेस्ट को ऊंचा करना होता है, बारी करने की जरूरत नहीं है, आप एक लंबा सारा पोल लगा दीजिए तो उससे भी रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, और बस ये दोनों में डाउट था कि एक ने बोला था कि आप जितना वजन नॉर्थ ईस्ट में डाला है उससे ज्यादा साउथ वेस्ट में डालो, स्टेयर्स का वजन हैवी होता है। और दूसरे ने बोला कि सिर्फ साउथ वेस्ट को ऊंचा कर दो पोल लगा के रिजल्ट मिल जाएंगे, मेरे को मिले। इन दोनों में क्या डिफरेंस था? वास्तु स्टेयर हटाने का कुछ नहीं। हां जी, स्टेयर हटाने का किसने बोला कि नहीं बोला? स्टेयर हटाने का किसी ने नहीं बोला, एक ने बोला था कैंथर रखने को नॉर्थ ईस्ट के स्टेयर्स के नीचे। दूसरे ने बोला जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी दीवार है उस पर ग्लास लगाने के लिए कि जब हम चढ़ेंगे तो पीछे का एरिया नजर आए। क्या-क्या सिखाते हैं? क्योंकि मेरी आर्किटेक्चर लाइन में कोई ना कोई कॉन्टेक्ट में आता रहता है तो सभी अपनी अपनी राय देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनमें से सही चीज क्या होनी चाहिए? साउथ वेस्ट में नीचे किचन और बाथरूम है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है किसी को? नहीं, हार्ट की नहीं। और आपके घर में खाना खाने के लिए लोग आते रहते हैं, खाकर चले जाते हैं, बाद में आपकी बुराई करते हैं, ऐसा कुछ है? हमारे घर में खाना खाते तो आते हैं, वैसे हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। खाना खाने आते हैं ना, तो बाद में जाकर आप बाद में जाकर आपकी बुराई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खाना खाने ना भी आए तो भी करते हैं। उसका कारण क्या है? आपने कभी ढूंढा नहीं? ये नहीं आपको किसी ने बताया? नहीं सर, क्योंकि मैं एक्चुअली ज्यादा वास्तु की तरफ गया नहीं, तभी अभी पिछले एक दो महीने से गया हूँ। चलो, आप मेरे से वास्तु का कोर्स करो, मैं कभी कंपेल नहीं करता, पैसे नहीं भी हैं तब भी करो, आ जाएंगे पैसे। आपको आप अभी आपको इतने काबिल बना दूंगा ना, आप सोच नहीं सकते। ज्योतिष में क्या किया? वैदिक सीखा है? नहीं सर, लाल किताब का सीखा। क्या यार, कहां से सीखा? बस पाजी, लाल ना मूलियां दई जाइयो ते जल प्रवाह करी जाइयो, वरना कुछ नहीं हुंदा हैगा। इहदे नालों बेटर है कि तुसी खुद सीखो, क्योंकि असीं सर दे कोलों सीख रहे हैं ना, ते इस तों पहले मैं भी सीखिया सी, जिद्दां दी चीजां तुसीं बोल रहे हो ना इही चीजां मैं भी सीखिया सी। ओ हुण लगदा कि असीं कुछ कीता ही नहीं है, हुण पता लग रिहा कि असली क्या, छोटी छोटी रेमेडीज करके असीं अपनी लाइफ नूं किद्दां सेट कर सकदे। असीं किसे डिपेंडेंट नहीं होवांगे। तुसीं भी कोर्स करो सर, बहुत पाजी बहुत वधिया लगेगा तुहानूं वी। पैसे नहीं लेने मेरे को, जब समझ आ गया तो पैसे दे देना, नहीं समझा छोड़ देना बस। सर एड्रेस, मोगे दा एड्रेस दस दियो जरा कि मैनूं के किथे मिल सकदा तुहानूं। ज्वाइन करो तुसीं भी ग्रुप। सर टेंशन ना लो, मैं फ्राइडे नूं क्लास लगा रहा, कोई नहीं, जदों मर्जी सर मोगे जदों मर्जी आ जाओ, कोई सुनेगा एड्रेस दी कड़ी करा, जदों मर्जी लै लो, व्हाट्सएप करो भेज दांगा। ठीक है, चलो बाकी ना आप बोर ना करिए। ते चलो कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਫੀਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਫਰਾਈਡੇ ਕੋ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਮੇਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀਰੋ ਸੇ ਲੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਐਨਰਜੀ ਤੱਕ, ਲੈਂਡ ਐਨਰਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਬਤਾਊਂਗਾ ਆਪਕੋ। ਜੀ
अभी मेरी 25,000 फीस थी, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने ऑफर निकाला था 13,000 रुपया। अच्छा सर, कितने दिन का रहता है कोर्स? सर 25 दिन का लगेगा, चाहे 30 दिन लग जाए, चाहे 2,000 दिन लग जाए, जब तक आपको आएगा नहीं मैं आपको ग्रुप से नहीं निकालूंगा जी। चाहे 2,000 दिन लग जाए मेरे को, फीस वन टाइम ही है। चाहे आप चार पार्ट में दे दो, चाहे 3 पार्ट में दे दो, चाहे 1 पार्ट में दे दो, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है ना जी। आप 500 करके डालोगे, टॉयलेट पार्ट में दे दोगे, तब भी कोई टेंशन नहीं सर। आपके पास आपके पास कामयाबी होनी चाहिए। पैसा तो क्या, पैसा तो बहुत आ जाएगा आपके पास, आपको आना चाहिए। जब मैंने बोल ही दिया, जब मैंने बोल ही दिया, चाहे मेरे को 2,000 दिन लग जाए, 2,000 दिन में कितना लगा, 5 साल, इतना समय लगता नहीं। पहली बार में सेशन समझ आ जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को नॉर्थ में कितना सेटिस्फाइड कर रही है या क्या कर रही है, वो सारा कुछ बताऊंगा। जीरो से लेकर एंड तक आपके, अभी फ्री में इतना डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो पे में तो सर आपकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बोलने की। नहीं भी है तब भी सिखा दूंगा, एक बार बोल दो मेरे पास नहीं है तो पैसा बनाने के काबिल बना दूंगा, यहाँ से पैसा आएगा जी सर। इसमें बाबा बनने की तकनीक भी है गर्ग सर। अच्छा। बाबा बनने की तकनीक भी है, कैसे बाबा कैसे जी सर? सारा कुछ सिखाएंगे। अभी मान के चलो 6 नंबर 2 नंबर लगन बनाए विनू मैम, तो अभी 2 नंबर का गोचर बनाकर देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको भी बिजनेस के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, लाभ से संबंधित। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। हाँ यही चीज तो मैं सिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने यही चीज है, 1 मिनट में 1 सेकंड में आदमी की लाइफ का क्या प्रोडक्शन करना है, वो ऐसे है। 30 सेकंड में बाबा बनने की तकनीक यही है, आदमी के मन की बात जानना, आदमी को क्या प्रॉब्लम है उसकी बात को जानना। अभी आपका क्वेश्चन ये था, आपके मन में ये क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया। बिजनेस को लेके। हाँ। भैया हमने भी ये बाबा बनने वाली तकनीक सीखी है। आप मतलब आज अगर हम बात करें ना, हमें अलग अलग पंडितों के पास, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। वहां पे हम कितने कितने पैसे दे देते हैं, एक ने बनाया दूसरे के पास चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सर से सीखते हैं ना, अपने लिए ही, हम अगर हमने प्रोफेशनल सीखना वो अलग बात है, लेकिन अपना घर अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं अगर हम क्लासेस देते हैं। अभी वास्तु वाला 13,000, अभी आपके पास वास्तु वाला 10-11,000 फीस भी ले लेगा, तो इतने में तो मैं आपको खुद को प्रिपेयर कर दूंगा। हाँ जी, और किसी क्वेश्चन आया तो प्लीज बोलिए। आपका सर, समय परसों मिल सकते हो, फिर परसों मिल सकता हूँ। वार क्या है? थर्सडे को। परसों मैसेज कर लेना। जी ठीक। थर्सडे को शायद मेरे को चिंतपूर्णी जाना, शायद कोर्स शुरू करना है सर, फिर मैं मिलना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। सर कोर्स स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, पैसा पहले नहीं डालना आपने, स्टार्ट करो उसके बाद डाल देना, मिलने के बाद पैसा डाल लेना। मिलो ना तुम तो हम घबराए, हमें क्या हो गया है, ठीक है ना। बोलिए सर, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर मैंने पत्रिका भेज दी है। तो फिर क्या हुआ सर, पत्रिका भेज दी? अभी सर अभी आप, आपका भी यही क्वेश्चन है बिजनेस और प्रॉफिट के रिलेटेड, बोलिए। यही है, पैसा बच नहीं रहा, सही है जी? यही क्वेश्चन है आपका?
सर आपका क्वेश्चन यही है ना कि बिजनेस कर रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को देखो। यही चीज तो मैं सिखाता हूँ बाबा बनने की तकनीक में, कुंडली में आपको क्या देखना है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कुंडली तो बाद की बात है, पहले अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन देखो। आपका क्वेश्चन भी यही है। वेस्ट में क्या आपका सर? वेस्ट में नहीं जी। क्या है? ईस्ट और ईस्ट में जी। क्या है वेस्ट में? क्या हमने जो पूछा हमें बताइए। अलमारी है जी। अलमारी में क्या पड़ा है? अलमारी में कपड़े वगैरह ही उसमें। अपना लॉकर रूम वहाँ पर बनाओ ना, पैसे वहाँ पर रखो ना वेस्ट में। अभी वेस्ट पैसे ईस्ट में रख रहे हो? नहीं, पैसे वेस्ट में रख रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं। फिर तो प्रॉब्लम ना लेनी चाहिए आपको। रोशनी आ रही है वेस्ट में? नहीं जी, रोशनी नहीं आ रही। क्या आ रहा है वेस्ट में आपके? वेस्ट में बल्ब लगा हुआ है पर हम उसको जलाते नहीं है। कौन सा है? एलईडी लगी हुई है। कलर कौन सा है वहां पर वेस्ट में? ग्रीन कलर है। और क्या है? कुछ नहीं। अगर वेस्ट में आपके प्रॉब्लम हो नहीं होती तो आपके ये माथे के ऊपर काला रंग नहीं होना था। आपको पता है आपका फेस काला नहीं होना था यहाँ से। प्रॉब्लम है आपके वेस्ट में। ये क्या है? टंकी है वहाँ पर? क्या है पड़ा है? कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को क्यों लग रहा है आपका टंकी है। पर कुछ ना कुछ तो है ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। टंकी है जी पानी की, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो है, चाहे पानी की टंकी है कुछ भी है। पर ये तो टंकी हमने अभी लगाई है जी, 6 महीने पहले। अभी आपकी टंकी, अभी आपकी टंकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। आपको पता आदमी का फेस बताता है यहाँ पर क्या है। आप जिसको बोल रहे हो ना वेस्ट है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। आपके पास ग्रेडिंग मैप है आपके घर का? नहीं। भेजो भेजो सर। आदमी की कोर पहचानो, यही चीज मैं सिखाता हूँ अपने लाइफ में जो कोर्स में, यही चीज मैं सिखाता हूँ। आदमी की कोर पहचानो, आदमी क्या कह रहा है, आदमी का फेस है वो क्या बतला रहा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है क्यों नहीं बताता, फेस सबका सब कुछ बताता है। क्लियर है? ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। मैं समय आपका मैंने काफी ले लिया तो जी सर आज के लिए बस फिर इतना ही। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी सर, वो मैरिज के लिए पूछना था सर। क्या बोलिए, आप कहाँ से सर? हाँ जी इंदौर से सर। सर क्या पूछना था बताइए। मैरिज का पूछना था सर। मैरिज नहीं हो पा रही। मतलब हो गई, डाइवर्स हो गया। डाइवर्स हो गया। आपकी एज क्या है? आप कुंडली का रिकॉर्डिंग देखो। 42 हो गई। कुंडली कुंडली आप भेजो, मेरे को व्हाट्सएप करो। ठीक है देख लेते हैं। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? पुनीत जी आपका। गुरु जी एक भी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से हो सर? अपना पहले तो फेस दिखाइए। मैं दिल्ली से हूँ।
आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी, नहीं पहले भी आया था मैं। क्या हुआ आपको? मेरी फेस में कुछ अब आ गया शायद। नहीं है, बोलिए क्या पूछना चाहते हो? मैं सर ये कह रहा हूँ कि जैसे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। क्यों, किस चीज का काम? आपका मन नहीं लगा हुआ लग रहा वहाँ पर, क्या फायदा? नहीं, सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ मैं, मार्केटिंग में हूँ। तो बढ़िया, मार्केटिंग वाले तो पैसे बहुत चिपकाते हैं, इधर का माल उधर का। मुझे इतने नहीं मिल रहे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो जॉब चेंज कर लो। तो उसका कोई योग बनता है? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। कब से बनेगा? मार्च के बाद। अच्छा, अभी नहीं, अभी यहीं रहूं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, आप यहीं पर रहिए। अच्छा, ये विनु मैम ने कैसे निकाला आपको पता? कैसे? शक्ल देख के? शक्ल यही मेरी बाबा की तकनीक है, इनका 3 नंबर लगन बन गया। हाँ जी सर। ठीक है, परिवर्तन होने पर। हाँ, का परिवर्तन आएगा, समझ मेरी बात का नहीं? गरग सर, आप बोलते हो रोज क्लास नहीं लगाते, अभी क्लास आप तो खुद लगा रहे हो। अभी नोट करो ना मैंने क्या बताया इनको, क्या है उनको सेटअप करो। आप बताइए सर, बताइए। नहीं सर, ये मेरा कोर्सेज वाले लड़के हैं, इनको पता है कैसे निकाला। इन्होंने तभी से झट से बोल दिया। ठीक है, यही तो मेरी तकनीक है। अगर आपके पास कुंडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाबा बनने की तकनीक से 1 मिनट में निकालो। अगर किसी को अकेले को बाबा बनने की तकनीक सीखनी है, उसका कोर्स सिर्फ 3000 रुपया है, बस फीस है। ठीक है, तो और कि आपको मैं अपनी कुंडली भेजूं? मैं भेज दो। और किसी कोशिश, सॉरी, और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पर पूरा विराम देता हूँ। ठीक है जी, सीमा मैम आपका, कार्तिका मैम आप, चलो बढ़िया है। तो आज की क्लास को मैं बस यहीं पर